मन कर रहा है खड़े खड़े सो जाऊं। बना दे यार भाई। वो क्या है ना, मेरे को टाई बनानी नहीं आती है। सुबह सुबह व्लॉग शूट हो रहा है। आज ही तो व्लॉग शूट कर रहा हूँ भाई, महीने तक मैंने कुछ नहीं किया। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम बाहर क्या कर रहे हैं। हम बाहर खुद से नहीं आए, शोर करने के लिए निकाल दिया गया है। So hey guys, what's up? कैसे हो सब? Welcome back to another vlog. As you can see, मैं अभी सोकर उठा हूँ। आप देख सकते हैं मैं अभी तक बेड पे ही हूँ। सुबह के 9 बज चुके हैं, 10 बजे मेरी क्लासेस लगेगी। तो आज चलेंगे हम कॉलेज में, आपको दिखाऊंगा कि मेरे कॉलेज में कैसे कैसे मेरे दिन गुजरते हैं और कितना फन करते हैं हम कॉलेज में। मोटा ही मजा करेंगे, हम फुल पावर मस्ती करेंगे। सुबह उठ के जो सबसे पहली चीज करनी होती है ना, वो होती है पानी पीना। Stay hydrated guys. कसम से मेरा मन नहीं करता कॉलेज जाने का यार। ऐसा नहीं कि कॉलेज में अच्छा लगता है, लगता तो अच्छा है, पर मेरी जो ये नींद है ना, ये खुलती नहीं है। बड़ी मुश्किल से उठना पड़ता है सुबह, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। पर जाना पड़ेगा कॉलेज, क्योंकि अगर 75% से कम रह गई ना अटेंडेंस, तो एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा और तुम्हारा भाई अटक जाएगा कहीं जैसे, तो वो नहीं मैं चाहता हूँ। सबसे पहला काम करेंगे हम नहाने का। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, रे तो लग गए। मन कर रहा है खड़े खड़े सो जाऊं। ये मेरा दोस्त है जो मेरे को सुबह सुबह आके उठाता है। बाहर का मौसम देखो दोस्तों, कितना बढ़िया है। आजकल थोड़ी थोड़ी सर्दियां आ गई है ना, तो बाहर का वेदर ठीक लग रहा है और धूप में मजा आ रहा है। इसी के साथ साथ कल मेरा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है और मैंने एक भी प्रैक्टिकल नहीं लिखा है, एक भी प्रैक्टिकल फाइल में। शाबाश बेटा, आज लिखना पड़ेगा मेरे को। चलो दोस्तों अब मिलता हूँ मैं आपसे, डायरेक्ट तैयार होके फिर चलते हैं हम यहाँ से। बना दे यार भाई, थोड़ी छुट्टी कर इसको। वो क्या है ना, मेरे को टाई बनानी नहीं आती है। ये बना के देता है मेरी टाई और बस अब निकल रहा हूँ मैं, जैसे ही टाई मिलती है। बैग कहाँ है भाई मेरा, क्या है? ओ भाई जिप भी नहीं लगाई। अरे कभी ख्याल ही रखता बैग का मेरे। ये भी मेरी गलती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कॉलेज और आप आज मेरे साथ पूरा दिन काटना कॉलेज में। और दोस्तों ब्रेकफास्ट करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है अभी, मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं है। दोस्तों थोड़ी मेरी आवाज खराब आ रही थी ना, पर कोई बात नहीं, उसका भी जुगाड़ है हमारे पास। ये सब कुछ है हमारे पास, तो बस अभी हम रोड के पास वेट कर रहे हैं गाड़ी का और जैसे ही आती है फिर निकलते हैं। सो लेट्स गो मुड़िया, ओनली आधा घंटा बचा है क्लास लगने को। गोदी में बैठाऊं तेरे को, दे पानी दे भाई। संजू क्या है? ओहो ब्रो कब आया तू? सुबह सुबह व्लॉग शूट हो रहा है। आज ही तो व्लॉग शूट कर रहा हूँ भाई, महीने तक मैंने कुछ नहीं किया। फिर कब आया? पता क्या ट्रिप बनाते हैं रोज, एक एक कहीं ना कहीं दिन की करना पड़ेगा। ऐसे व्लॉग डेली डालना है। इसको बोल रहा हूँ 17 तारीख को मैच बना ले भाई। हाँ वो चलो तो चलते धर्मशाला। ये प्लान बना रहे कि मैच देखने चलेंगे हम धर्मशाला। किसका मैच है वो? इसका किसका मैच है? नीदरलैंड और न्यूजीलैंड का है सर। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड का नहीं, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 28 को है। और अगर मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ इंडिया का ही देखने, पर उसके टिकट नहीं मिल रहे हैं। तो वही दिक्कत हो गई। तुम देख लो आ रहा, अगर बनता है प्लान चलते हैं फिर। मेरे तो डन है। चल ठीक है गोविंद, बोल देते आई करते हैं ठीक है क्लास में। फिर ब्लॉग भी बना दूंगा। हाँ, पहली बार देखूंगा कोई आईसीसी का है, पहली बार धर्मशाला में। मैं तो पहली बार ही देखूंगा स्टेडियम में क्रिकेट मैच, ना मैंने कभी देखा है। तू कब आया? कल पता है बाबा, किससे मिलने गया था? ऑस्ट्रेलिया का खाली था, जरूरी ब्लॉग पे डालेगा मैं। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। चलिए गाइस अब निकल रहा हूँ मैं क्लास की तरफ। जैसे ही क्लास लगेगी तो ये माइक भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये अलाउ नहीं है हमारी क्लास में ना, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है हमारी क्लास में और इस वजह से हम थोड़े शरीफ से हैं। ये है दोस्तों पूरा कैंपस यूनिवर्सिटी का और ये है यहाँ के विद्यार्थी, जिनको टीचर 100 बार बोलते हैं कि कमीज डग इन करो पैंट के अंदर, पर ये कभी नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों, क्यों नहीं करता तू? मेरी मर्जी। सैवेज गाइस, अब चढ़ी जा रही है सफलता की सीढ़ियाँ। ये सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं होती भाई, और अपनी क्लासेस लगती है टॉप फ्लोर पे। ठीक है तुम? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये अपना क्लासरूम है दोस्तों और यहाँ पे अभी तक कोई भी नहीं आया है। देखिए हम पढ़ने के लिए कितने उत्सुक होते हैं कि सबसे पहले आ जाते हैं कॉलेज। वहाँ पे क्लास लगी होती है और यहाँ पे हम फ़ोन चार्ज कर लेते हैं अपने।
इन केस अगर बैटरी डाउन हो। क्या देख रही हो? इस लड़की ने गुड मॉर्निंग बच्चों। दोस्तों मेरी क्लास के कलाकारों की कलाकारी, पूरे पूरे डेस्क रंग दिए इन्होंने, और कोई काम दाम नहीं सिखाने को। सुधर जाओ, पढ़ाई करने आया तो पढ़ाई में ध्यान रख। दोस्तों अब क्लास ऑलमोस्ट भर चुकी है, सारे छात्र छात्राएं आ रहे हैं धीरे धीरे। ये मेरा दोस्त आ चुका है, ये ब्रो, व्हाट्स अप मैन। साले सारे टीचर आने वाले पढ़ाने के लिए, तो एक घंटे बाद मिलता हूं मैं आपसे, क्योंकि जब तक हमारे सर पढ़ाएंगे तब तक मैं फ़ोन नहीं चला सकता, क्योंकि पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो एक घंटा क्लास है, उसके बाद मिलता हूं आपसे, ठीक है ना? देखो भाई, दोस्त हमारा है पर बैठा किसके साथ है? ओए, पर जा अपने डेस्क में। अभी अभी एक खबर आई है सूत्रों के हवाले से कि आज 4 क्लासेस है, तो आज बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। ऐसे यूजुअल डे में हमारी 2 क्लासेस होती है ज्यादा से ज्यादा। क्या कर रहे हो भाई? 1 hour later। तो दोस्तों फाइनली हमारी क्लास हो चुकी है ओवर, अब हम जा रहे हैं लाइब्रेरी को जी जान से पढ़ाई करने के लिए। देखो सारे निकल गए लाइब्रेरी भाई। हमारे डेस्क की खास बात देखो यार, यहाँ पे है ही नहीं वो घड़ी निकल गई मेरी। चलो दोस्तों लाइब्रेरी भी दिखाता हूँ आपको अपने यूनिवर्सिटी की, जहाँ हम जी जान से पढ़ाई करते हैं। धूप, सबसे पहले तो इतनी धीरे बात कर रहा हूँ क्योंकि लाइब्रेरी में शोर करना मना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पूरे दिन का सबसे मुश्किल काम होता है कॉलेज जाना सुबह, क्योंकि मेरी नींद सुबह नहीं खुलती है। मैं चैलेंज करने वाला हूँ 75 हार्ड डेज चैलेंज, जिसमें मैं रोज़ कॉलेज आऊँगा रेगुलर कॉलेज। संडे को नहीं हुए बेवकूफ। तो ये एक बहुत मुश्किल टास्क है। अभी ज़्यादा शोर नहीं करते हैं, अगर ज़्यादा शोर करेंगे तो निकाल दिया जाएगा लाइब्रेरी से बाहर, इसलिए अभी पढ़ाई करते हैं। लाइब्रेरी की सबसे ख़तरनाक मैडम है दोस्तों यहाँ पे राउंड पे अभी, तो अगर मैं बात करता पाया गया मेरे को बाहर निकाल देंगे। तो अभी के लिए हम शोर नहीं करेंगे, चुपचाप बैठेंगे पढ़ाई करेंगे। A few moments later। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम बाहर क्या कर रहे हैं, हम बाहर खुद से नहीं आए, शोर करने के लिए निकाल दिया गया है। बैक टू द क्लास। बट मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है दोस्तों, और मतलब मेरे से टिका नहीं जा रहा क्लास में, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया ना। तो अब ये 1 घंटा और क्लास है, जैसे वो क्लास ख़त्म होती है फिर निकल जाऊँगा मैं लंच करने। यार सो डैम फ्रस्ट्रेटिंग। मिलते हैं एक और क्लास के बाद। 1 hour later। दोस्तों लंच टाइम हो चुका है और हम थोड़ा जल्दी आ गए थे, अभी हम बैठे हैं हमारे दोस्त के कमरे में, मैं और ये छोटा है अपना। गाली देता है क्या? बोल रहा हाँ, तो मतलब हम अभी रूम में बैठे हैं, उसी का वेट कर रहे हैं जिस दोस्त का ये रूम है। तो उसका एक पार्सल आया था जो ले आए हैं हम अपने साथ, वो ये iPhone 14 है। अनबॉक्स करेंगे इसके बाद, फिर हमने निकलना है रूम उसके बाद। पहले भाई iPhone के साथ आता था चार्जर, जब बहुत पहले की बात, क्या 5 आता था ना उस टाइम, iPhone 5, 6, 6s वगैरह। iPhone का चार्जर मिलेगा, एयरफोन मिलेगा, सब कुछ। अब इसमें मिलता है सिर्फ iPhone, ना टेम्पर्ड ग्लास, ना नॉट इवन कवर, कुछ भी नहीं मिलता है। सालों ने जेब खाली करके रखी है। मतलब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दबा के अगर आप दबा के सपोर्ट करोगे तो मैं दबा दबा के वीडियो निकालूंगा। तो भाई अनबॉक्स करने लग गए हैं, तो ये ब्लैक कलर में बढ़िया, कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया है ना। निकाल फिर इसको, ये एकदम जकास ऑन कर, नमस्ते बोलेगा देख। छुट्टी हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं अपने रूम। पानी चलिए सर। ओ भाई तो दोस्तों आज के सारे टास्क कंप्लीट होते हुए फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग डे। दोस्तों आज का दिन इतना थकान भरा था ना कि माँ कसम क्या बताऊं यार,
कोई शब्द नहीं बचे हैं मेरे पास। हमारे कॉलेज में ऐसा सिस्टम है कि मतलब टीचर्स बहुत ज्यादा लिखवाते हैं, जब हम लोग लिख लिख कर थक जाते हैं ना, फिर हम बोलते हैं प्लीज सर और नहीं, तो पता है सर क्या कहते हैं, बस एक लास्ट डेफिनेशन बची है, एक लास्ट डेफिनेशन। और एक डेफिनेशन कितने की होती है, ज्यादा से ज्यादा 4-5 lines, 4-5 pages एक्स्ट्रा लिखवा देते हैं हमारे को ठगाट हो गए, मतलब बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा। आप लोग बोलते हो कि ब्लॉग्स डालो ब्लॉग्स डालो ब्लॉग्स लाओ, मैं तो खुद चाहता हूँ कि ब्लॉग्स बनाऊँ मैं, बट मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है क्योंकि स्टडीज भी इम्पॉर्टेंट है ना, तो मैं मैनेज कर रहा हूँ किसी तरह। नेक्स्ट मंथ से मेरे फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं, उसके लिए अटेंडेंस चाहिए, अगर एग्जाम में बैठना है तो अटेंडेंस चाहिए आपकी लगभग 75% होनी, उसके लिए कॉलेज जाना पड़ता है। और अगर पूरा पूरा दिन कॉलेज जाऊँगा तो ब्लॉग्स कैसे शूट करूँगा, तो मैं बीच में ब्लॉग्स डाल रहा हूँ कॉलेज के, जैसे आज वाला ये ब्लॉग था। जैसे ही छुट्टी मिलती है ना, छुट्टी के दिन जाऊँगा और जगहें दिखाऊँगा आपको एक्सप्लोर करके अच्छी अच्छी। बस दोस्तों इस ब्लॉग को सोच रहा हूँ अभी एंड करने की, और अभी बस जस्ट मैं अभी इसको एंड करते ही एडिटिंग का काम शुरू कर दूंगा और फिर इसको पोस्ट कर दूंगा, आधे घंटे में कर देता हूँ फटाफट। तो आप लोग बताना ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ते कमेंट करके ज़रूर दसियो, ते मेरे नए नए ब्लॉग देखने लिए तुसी इस चैनल नू सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच गाइज, आई लव यू, बाय।